अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक और अनाउंसमेंट है, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। मॉम को हम सब गिफ्ट देंगे लेकिन सबसे पहला गिफ्ट लक्ष्मी देगी। लक्ष्मी जाओ गिफ्ट लेकर आओ। तरुमा जाओ। ऋषि भाई मेरी मॉम का बर्थडे है, मेरा हक बनता है उन्हें पहले गिफ्ट देने का, मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी पहले। आई नो सोनिया, और वो मेरी मॉम भी है, पर लक्ष्मी का इतना दिल कर रहा था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मी का दिल कर रहा था और मेरा क्या, वो तो जिद कर रही है ना छोटे बच्चों की तरह, और पागल बच्चे ऐसे जिद करते हैं, पागलों वाली हरकत कर रही है। सोनिया अभी समझाया था ना, बहस मत करना आज के दिन, मॉम का बर्थडे स्पॉइल मत करना, तू बोला था तुझे। ये रद्दी गिफ्ट करोगी तुम मॉम को? सोनिया रद्दी नहीं है वो, और जब कुछ पता ना हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। मॉम ये ड्राइंग है, लक्ष्मी ने स्पेशली हमारी फैमिली की पिक्चर बनाई है, ओबेरॉय फैमिली की, आपकी बर्थडे गिफ्ट के लिए। वाओ लक्ष्मी, पूरी फैमिली की तस्वीर बनाई है ना? मैंने नहीं, मिंटू ने भी बनाई है, हम दोनों ने मिलके बनाई है। बहुत सुंदर बनाई है लक्ष्मी। अरे देखो तो पूरी फैमिली है। बहुत ही प्यारी बेटा, एंड आई एम श्योर ये ऐसा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता नीलम को, है ना नीलम? लक्ष्मी मॉम को दे दो, डरो मत। हाँ हाँ दे दे पुत्र। थैंक यू लक्ष्मी, बहुत अच्छा है। Are you for real? आप ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो? I mean, ये लेवल है हमारा। गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, देने वाले के इंटेंशन और उसके इमोशन देखते हैं। और फिर ये ड्राइंग तो ऋषि ने भी बनाई है। ये मॉम क्या हो गया है? क्या कर रही है ये? ऐसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही है ये? ये लेवल आ गया है क्या हमारा? Disgusting. सोनिया, calm down. देखो अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, डोंट रिएक्ट लाइक दैट। देखो भाभी का सेलिब्रेशन है ना, खराब नहीं करना। हाँ अरे सुपर हिट गिफ्ट है, आइडिया। ओके एवरीबॉडी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग सब लोग फैमिली वाले सेम पोज में जैसे ड्राइंग में खड़े होके दोबारा से फोटो खिंचवाते हैं। व्हाट से ऋषि भाई? हाँ गुड आइडिया, चलिए आइए सब लोग। सबसे पहले तो मैं रहूंगी। आ जाओ आ जाओ। अरे यार इतनी सुंदर सुंदर पर्सनालिटीज़ आप लोगों की, इसको बाहर लाओ, थोड़ा चिल करो, थोड़ा स्माइल करो, है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी और मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता, सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में साथ रहेंगे। ऋषि और मिंटी की जोड़ी, मिंटू और लक्ष्मी की जोड़ी, इस घर में जितनी भी चूड़ियां हैं सब टूटेंगी। क्या क्या? वाव, क्या कोइंसिडेंस है, मैं आज नीलम आंटी पर ही अटैक करने वाली हूँ और पेपर में भी नीलम आंटी का पार्ट ही फटा, मतलब फैमिली से नीलम आंटी आउट। ये क्या किया तुमने? मेरी फैमिली तोड़ दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुमने मेरी फैमिली तोड़ दी। हाँ तोड़ दी तो क्या करोगी तुम? तुम कितनी गंदी हो, पहले तो मुझे गिरने से बचाया था तो अब मेरी फैमिली क्यों तोड़ दी?
अरे कर ले चुड़ैल, फोन कर ले, कब से पड़ा यहाँ पे। बाहर जाऊं भैया, बाहर जाता हूँ, देखता हूँ क्या माहौल है। झूमर गिराना बच्चों के बस का खेल तो है नहीं। आधी रस्सी गाड़ देता हूँ, आधी बाद में गाड़ दूंगा इसका फोन आने के बाद। तैयारी करता हूँ तब तक। देखो ये बार बोल लेगी रस्सी काटने के लिए, हल्का सा चीरा मारूंगा, गिर जाएगा किसी के सर पे। मेरी फैमिली तो उड़ दी। यस, ये सारे सिग्नल्स हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि आज मेरा काम हो जाएगा। क्या हुआ? इसने ना मेरी फैमिली तोड़ दी। फैमिली तोड़ दी मतलब? ऋषि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इसकी पेंटिंग गलती से मेरे पैर के नीचे आ गई थी और लक्ष्मी ने उसे खींच दिया और फट गई। गलती से मेरी कोई गलती नहीं थी, उससे हुआ जो कुछ भी हुआ है। कोई बात नहीं, हम वापस से बना लेंगे। अभी मॉम का बर्थडे है ना, बहुत बड़ा ओकेजन, हम वो सेलिब्रेट करते हैं, बन जाएगी पेंटिंग, कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसे होते नहीं। इसने फाड़ा है। ऋषि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम जानते हो ना। लक्ष्मी, हम दोनों मिलके वापस से बना लेंगे, कुछ नहीं होता। वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। हाँ, मॉम का बर्थडे ना सेलिब्रेट करना, आ जाओ। चलो चलो जल्दी आओ, रोते नहीं ऐसे छोटे बच्चों की तरफ। आ जाओ। देखा तुमने क्या किया इसने? लक्ष्मी, ऐसे नहीं करते मनीषा। नो ऋषि, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत किया इसने। मनीषा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ लक्ष्मी की तरफ से। मैं सॉरी लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम उसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो गंदी, वो ऋषि होता ना यहाँ पे, तो अभी वो गंदी छी आंटी को ना ऐसे ठीक कर देता। लक्ष्मी, ऐसे बात नहीं करते। मैं बात करूंगा ना मलिष्का से, मैं बात करूंगा बाद में। ओके, तुम अभी चलो कि केक खाना है ना। हाँ, केक, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर वाला केक, देखो वहाँ पे खाना है ना। मन करा ना केक, मुझे भी बहुत भूख लगी, तुम्हें भी लग रही होगी ना भूख। चलो केक खाते, केक खाते। लक्ष्मी ऐसे चलो, या वेरी गुड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सत श्री अकाल अटवाल भाई साहब। सत श्री अकाल बेअंत सिंह जी। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल पुत्र। जिंदा रहे। बैठो बेअंत सिंह जी। पुत्र, जब भी तुझे देखता हूं रूह खुश हो जाती। पुत्र, ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। गजी, ऐसी गल ना करके ना इस जन्म से पराया ना कर। ओ, ना ना पुत्र, तूने मेरे पोते और बहू को बचाया है और मैं सारी जिंदगी इसके लिए तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। और अब तू हमारे परिवार का हिस्सा हमेशा रहेगा। बेअंत सिंह जी, सब सुख है। आप कभी बिना इत्तला दिए नहीं आते। जी अटवाल भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। जी जरूर, दसो। अटवाल भाई साहब, हर बेटी के माँ बाप का जिंदगी में सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनकी बेटी का घर बसा रहे। और हमने भी अपनी लाडों के लिए यही सपना देखा था। आप जो भी कहना चाहते हैं दिल खोल कर कहिए बेअंत सिंह जी। हम चाहते हैं अटवाल भाई साहब कि हमारी हीर का दूजा विवाह हो जाए। भाई साहब, रब का दिया ना सब कुछ है आपके घर में, और ऐसे घर ना नसीबों वाली लड़कियों को मिलते हैं। और हमारी हीर भी ना किसी फूल की तरह आपके घर को महकाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मैं जानती हूँ जी, पति के साथ के बिना ना एक दिन मुरझा जाना है उसने। भाई साहब, कुलदीप के साथ जो कुछ भी हुआ वो हम सब की बदनसीबी था, लेकिन इसने हीर की क्या गलती? अकेले रहने की सजा सिर्फ उसे क्यों मिले?
कैसे कुलदीप गया है ये ख्याल मेरे जहन में बहुत बार आया भाई साहब, लेकिन लेकिन क्या भाई साहब? हीर के लिए लड़का देखना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं जानता हूं ये मुश्किल होगा पर मैं करूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है, बैंड बाजा है, बारात है, दूल्हा दुल्हन के है सामने, दोनों का हाथों में हाथ है, चालू फिल्मी सा गाना है, आगे गाना बनाना है, दूल्हे तू ही बता देना, किसको कितना नचाना है, ये गाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो भी है मेरे तो सबको नचाना है। थैंक यू हीर, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए तो मैं जिंदगी भर भी तुम्हारा थैंक यू बोलूं तो कम होगा। ऐसी बातें कर रही होती थी सनी, मेरा कुछ नहीं लगता क्या? अरे जो भी किया मेरा फर्ज है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहां पे हम गए थे ना, पापा जी ने मुझे वहां पे किसी मकसद से ही भेजा, क्योंकि जिस बेस्ट फ्रेंड की मैं महीनों से तलाश में थी ना वो मुझे मिल गई। सनी और सिमरत भी मेरे कितने करीब आ गए। वो तो है हीर, ये तो तुम्हारी बहादुरी का नतीजा है, तुमने दो माओं को उनके बच्चों से मिलवाया है, ये किसी नेक काम से कम है। बाबा जी तुझे ढेर सारी खुशियां दे। को पता है दीदी, जीते के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब नैना की याददाश्त वापस आ जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नैना के गायब होने में, कुलदीप की मौत के पीछे और मेरे और सनी के किडनैप होने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगी जब तक मैं उसे ढूंढ कर सजा नहीं दिलाती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर आप छोड़िए मुझे जाना प्लीज। Miss Pankaj, notice period khatam nahi ho raha abhi. You still work for me, remember, right? Chalo, jawab do kya ho? Meri aaj nahi mil rahi. Pata nahi kahan chali hu. Sab manage kar sakti hu, sab. Main kisi se bhi na jaungi, lekin meri aaj aaj कुछ नहीं होगा, वो हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी आई को। एक काम करो गाड़ी में बैठ कब से क्या? I'll help you. साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो तुम्हारी आई जल्दी मिल जाएगी। चलो
अमू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मेरा ऐसा घर छोड़ के जाना तुम्हें मैं कितना तकलीफ देने वाला, पर मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं भी नहीं जानती मैं तुम दोनों के बगैर कैसे जीने वाली हूँ। अभी भी स्विच ऑफ है, कहाँ है तू आई? पता नहीं जयेश ने कागजात देखे या नहीं, बता देती हूँ। जयेश, मैं जा रही हूँ, वो पेपर्स पे मैंने साइन कर दिया है, दूध वाले झोले में रखा है मैंने पेपर्स, देख लेना। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करना प्लीज। मेरे बच्चों का ख्याल रखना चाहे रखोगे तो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो रहा है सब? गुड मॉर्निंग जय, भवानी ने डिवोर्स पेपर साइन कर ली। मेरी आई को मुझसे छीनने का कोई हक नहीं है आपको। अंदर आ जाओ। इस घर के चौखट तक आने का मन नहीं था मेरा, अंदर आना तो दूर की बात है मिस्टर चिटनिस। चिटनिस, हैरान हो रहे ना, बचपन से बाबा कह के बुलाया मैं, कभी आपका नाम नहीं लिया। बचपन से आपके जैसा बनना चाहती थी मैं, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये नौबत आ जाएगी कि मेरे मुंह से आपके लिए बाबा का शब्द निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन आपने तो सोच के रखा होगा ना, तभी मुझे यहाँ ना के खड़ा कर दिया है, जहाँ मेरे मन से मेरे मुंह से आपके लिए बाबा शब्द निकल ही नहीं रहा है। वैसे थैंक यू, आपने ये रियलाइज कराया मुझे कि जब रिश्ते को निभाने की गुंजाइश ही नहीं है तो रिश्ते को खत्म ही कर देते हैं ना। अलग होना था मैं आपको, आम से दूर होना था, आपका फैसला है, आपको मुबारक हो। लेकिन अपनी करनी को छुपाने के लिए मेरी आई का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और मेरी आई को हमसे दूर करने के लिए अगर ब्लैकमेल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय, ऐसे आज नहीं, आज बीच में बोलने से पहले नतीजे के बारे में अच्छे से सोच लेना। इशिका से तमीज से बात करो, उसके इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे आप इंसल्ट कहते हैं? इस आपके मकान को जिस औरत ने घर बनाया उसे उसके घर से निकाल के आपने इसे इज्जत बख्शी थी? आपके बच्चे जो इतना प्यार इतनी इज्जत करते थे आपकी, उनके प्यार और भरोसे की इज्जत रखी आपने? अरे वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो मेरे नए बिजनेस के लिए थी, मेरी मेहनत से जोड़ी थी मैंने, मुझसे बिना पूछे उसे तोड़कर आपने मेरे भरोसे की इज्जत रखी? और इसे ये तलाक के कागज देके कमाल की इज्जत दी आपने?
उस दिन कोर्ट में जो आपने लिस्ट बनाई थी ना आई के इतने सालों की, मुझे लगा था इससे नीचे कोई क्या गिरेगा, लेकिन आज इसे हमें छोड़ने के लिए जो ब्लैकमेल करके आपने लेवल ऊपर किया है ना गिरने का, जितना मेरी नजरों में गिरे थे ना आज खुद को कहीं ज्यादा गिरा लिया आपने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुर्री तू क्या कर रही है? फोटोज देख रही हूँ। कौन सी फोटोज? ये हमारे पुराने फोटोज देखो, इसमें बड़ी बुआ, बड़ी माँ और एक खुशी दी। हरा कितने क्यूट। हाँ, तू देख कितनी छोटी सी इसमें। कितने अच्छे लग रहे हैं ना सब। अच्छा सुनना, इसकी ना फिटिंग ट्राई करनी है, मैंने अभी अभी ऑल्टरेशन किया, एक बार देख लिया, बहुत जरूरी है ना, बाकी सब हो गया। क्या? अरे क्या क्या हो गया? पता नहीं कब आपकी गोदी में से सर रख पाऊंगी। अरे पागल, मैं कहीं नहीं जा रही और तू भी कहीं दूर नहीं जा रही, मेरी गोद हमेशा यहीं रहेगी, जब मन करे आके अपना सर रख देना, मैं यहीं हूँ तेरे लिए। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं पर उससे पुराने रिश्ते जो है वो टूटेंगे तो नहीं ना, वो तो हमेशा रहेंगे। क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? उदास हो रही है, कह रही है कि पता नहीं फिर कभी गोद में सर रखने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। पूर्वी तू आजकल के जमाने की लड़की है ना, इतना उदास क्यों हो रही है? जब भी तेरा मन करे अपनी माँ से मिलने का, उनकी गोद में सर रख के सोने का, तो हमें फोन कर देना, हम आके तुझे ले लेंगे। इतनी सी बात है। बताए माँ, मैं तो भगवान से कह रही हूँ कि इसके नए घर में इसे इतना प्यार मिले कि ये हमें भूल ही जाए। नहीं मतलब नए रिश्ते भी तो है ना बहुत सारे, देखा नहीं कितना प्यार करते हैं इससे, मुझे तो लगता है ऐसे ही होने वाला है। सास में अपनी माँ मिल जाएगी, दादी में बड़ी माँ मिल जाएगी, दादाजी में अपने दादू मिल जाएंगे, ननद में, भाभी में बहन मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, फिर तो ये हमें भूल जाएगी है ना। माँ सब मिल जाएगा, रिश्ते प्यार सब कुछ, लेकिन माँ उनकी जगह कौन लेगा, मेरी बड़ी माँ की जगह कौन लेगा और मेरी बहनें की जगह कौन लेगा? पूर्वी तेरी माँ ये नहीं कह रही कि हमारी जगह कोई ले लेगा, राजी ये कह रही है कि हमारे जैसे तुझे और प्यार करने वाले लोग मिलेंगे जो तुझे हमसे ज्यादा प्यार देंगे। आपको पता है माँ, मुझे तो डर लग रहा है, देखना ही हमें भूल जाएगी, देखा नहीं वो लोग कितना प्यार करते हैं, बार बार पूर्वी कहाँ है, पूर्वी कहाँ है, इतना प्यार मिलेगा तो हमें तो भूल जाएगी है ना। अरे मैं आपका अंश हूँ और मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, आप मेरे दिल में हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, और हमेशा करूंगी आपसे भी हमेशा। मुझे भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हार्ली सोई नहीं अभी तक, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? नहीं बस ऐसे। तो फिर कुछ छुपा रही है ना मुझसे? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है? मत सोचना इतना, मत टेंशन ले, सब कुछ ठीक चल रहा है। किस बात का? आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ा था उस दिन के तमाशे के बाद? हाँ फर्क पड़ा था ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि टेंशन मत लो, भूल जाओ, सब आगे बढ़ गए, तुम भी आगे बढ़ जाओ, ये सब बातें आप कैसे कर सकते हैं? एक बार फिर से उस रात के बारे में सोच के देखिए, उस रात को आप सबकी जिंदगी बदल गई थी, सब कुछ बदल गया था। मुझे बस इस बात की घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है कि कहीं वही सब कुछ
वापस हो गया तो प्लीज उस बारे में मत सोचो। अब मैं ठीक हूं। हाँ, इनफैक्ट पूर्वी से मिलने के बाद मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे सवालों का जवाब है, और शायद उस रात का भी। तो आप प्लीज पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। उस रात जो हादसा हुआ वो हमारी हकीकत नहीं है। ये जो आज है ना, ये है हमारी हकीकत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा है। सुन लिया ना? सुना अपने बेटे को? सब ठीक है अर्ली, सब ठीक है। तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, भूल जा पुरानी बातें, आगे बढ़। हाँ माँ, आप प्लीज मत सोचो इस बारे में। सब ठीक है, कोई स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं हूं तो आप इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूं आपके साथ, और मैं हूं, सब ठीक है। और आप हो तो मैं हूं। नहीं बेटा, तू है तो मैं हूं, तू है तो हम सब है। मेरा बच्चा, नहीं सोचना हमें, कुछ नहीं सोचना। अब आप लोग सो जाओ, रेस्ट करो। तू भी सोचो। Tomorrow is a big day. Of course it's a big day. You change your clothes and go to sleep. Okay? Yes, Dad. Yes. Good night. Good night, beta. Bye. अब ठीक लग रहा है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर सूर्या, आपको क्या लगता है, विधि लूथरा ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो क्या लूथरा फैमिलीज को इस बात की जानकारी नहीं होगी? बंद करो ये। अरे सॉरी, मेरे शूज पे थोड़ी चाय गिर गई, मैं क्लीन करके आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उठा दूँगा। क्यों किया ये सब, हैं? क्यों गई थी उसके घर पे पैसे लेकर? मुझे लगा मैं शौरिक को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, अगर मैं उसके पास जाऊंगी वो हमारी हेल्प करेगी। प्लीज निधि, मैं वाकई लगा कि तुम उसके घर पे पैसे लेकर जाओगी और वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तुमने देखा नहीं था ऑफिस में किस तरह से एटीट्यूड दे रहा था मुझे, किस तरह से बात कर रहा था मेरे से? उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उसके घर पे पैसे लेकर जाओगी, उसको पैसे ऑफर करोगी और वो शौरिक को छोड़ देगा? निधि कम ऑन, चीजें पहले ही बिगड़ी हुई थी, तुमने उनको और बिगाड़ दिया है। सच जानना है, प्लीज हमें बताइए, हमें सच जानना है। आप सब लोग ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये सब बता ही देता हूँ। वैसे अपनी स्टेटमेंट के साथ मैं ये कॉन्फ्रेंस भी खत्म करना चाहता हूँ। निधि मेरे घर आई थी, मुझे ब्राइब देने की कोशिश की थी, और इस बात का कंक्लूजन यही है कि ये काम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि करण लूथरा ने उनसे करवाया है। बंद करो अपनी बकवास, कुछ भी बोलोगे मीडिया के सामने और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। एक बात मैं बता दूं, निधि ने जो किया है अपनी मर्जी से किया, मुझे इस बात की भनक नहीं थी कि तुम्हारे घर पे गई है पैसे लेकर। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, इसने जो किया अपने बेटे के लिए किया है। ये चाहती थी कि शौर्य जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले। और उसने सबसे आसान रास्ता चुना, आसान रास्ता यही था कि तुम्हें पैसे दे और तुम इसकी हेल्प करो, इसलिए तुम्हारे यहां पे आई थी, समझे? तुम इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे।
कल तक तो तुम मेरे साथ थे। मैंने जो कल किया और जो मैं आज कर रहा हूं ये मेरा काम है और मैं हमेशा करता रहूंगा। और वैसे भी मुझे आपको एक्सपोज करना था दुनिया के सामने। थोड़ी सी स्वीट बनने की एक्टिंग करनी पड़ी, कर ली, पर मेरा इरादा कोई गलत नहीं था। मुझे आपसे कोई पैसों की हेल्प नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर चाहिए होती मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करता। Just one second, excuse me. और क्या कहा था आपने? सरकारी नौकरी करता हूं, कम पैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत करता हूं, यही कहा था ना? Let me tell you one thing. सरकार हमें ये वर्दी देती है, वर्दी की ताकत है, किसी से बिना डरे सच को लोगों के सामने लाने की। और आज मैं वही कर रहा हूं। Get it? Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 app डाउनलोड करें। तू बता, सब ठीक है? जो कुछ हुआ उसमें तूने कहा था ना कि तेरा कोई हाथ नहीं है, है ना? और मैं जो तूने कहा वही माना, क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है ना? मुझे पता है कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। एक बार और तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तूने गलत तो नहीं किया ना? मैं आपको बस बताने ही वाला था कि कितनी बेवकूफ हूं मैं ना। मुझे लगा तेरी कोई गलती नहीं है, बाकी सब गलत है लेकिन तू गलत नहीं है, क्योंकि तूने कहा तूने कुछ गलत नहीं किया। मैंने मान लिया, क्योंकि मुझसे झूठ क्यों बोलेगा तू? तू किसी से भी झूठ क्यों बोलेगा? इतना सीधा है तू। लेकिन तू गलत था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तूने मेरा विश्वास ही नहीं, तूने मेरा दिल भी तोड़ दिया। इतना गलत किया तूने, तुझे पता भी है कि तेरी वजह से क्या हुआ है? तेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। सच में तुझे कुछ नहीं पता। मैं भी पागल थी, मुझे लग रहा था कि तुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला इसलिए तू ऐसा है, उनकी अटेंशन के लिए सब कुछ करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुझे प्यार कुछ ज्यादा मिल गया है इसलिए तू बिगड़ गया है। वो बेचारी निधि, तेरी माँ, तेरे लिए पता उसने क्या किया? ऑफिसर को जाकर घूस दिया, ब्राइब किया कि तुझे यहां से बाहर जल्दी निकाल दे, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुझे यहां से बाहर कैसे निकाले। और इस चक्कर में वो पकड़ी गई। वो ही नहीं, पूरा परिवार पकड़ा गया तेरी गलती की वजह से, तेरी हरकत की वजह से। और मैं यहां सबको कह रही थी तूने कुछ गलत नहीं किया, और उन सबको तेरी नहीं पड़ी है, अपनी पड़ी है, अपने नाम की पड़ी है, खानदान की पड़ी है, जबकि मैं ही गलत थी। तेरी गलती की सजा आज तेरा परिवार भुगत रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है तुझमें कि ये बोल सके कि मैंने गलती की है और सजा मुझे मिले? कैसे बन गया तू ऐसा? सच्ची अगर मैं तेरी सगी मां होती ना तो तेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती। सही कहा था करण ने, तुझे समझाने की नहीं, तुझे सुधारने की जरूरत है। Really sorry,
प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब कुछ बता नहीं सकता। मत कर मुझसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कम ऑन मां, किसी और के लिए अपने बेटे को हारने मत दीजिएगा। मेरी लाल रंग की पतंग आज सबको काट देगी। क्या हुआ सूरज भाई, आपकी लाल रंग की पतंग तो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही। अभी बताता हूँ, रुक तू। सूरज एक काम कर, चरखा तू पकड़ ले और मांझा अंबिका भाभी को दे दे, फिर देख कैसे उड़ती है तेरी पतंग। सूरज, केसर और कबीर की पीले रंग की पतंग इतनी दूर चली गई है, तो क्या कर रहा है, जल्दी कर। सूरज बेटा संभाल, तेरी पतंग नीचे उतर रही है। आप तो खुश है ना माँ, मेरी पतंग उड़ नहीं पा रही है ना। अब कैसा, अपनी उंगली बचा के, उंगली बचा, इतना भी नहीं करता। तो कैसा, अब बिजनेस से लंबी छुट्टी या फिर जल्दी काम शुरू कर दोगी? तुझे क्या प्रॉब्लम है हमारे हनीमून पीरियड से? हमें यार अभी तो शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो बिताने दे साथ में। जिसे देखो भाई हमें दूर करने में तुला हुआ है। सूरज हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस। सूरज वैसे कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, हम ज्यादा दिन तक काम को थोड़ी ना टाल सकते हैं, और अभी 20 दिन का गैप है, तो मुझे लगता है हमें पूरा काम निपटा लेना चाहिए। लपेटो लपेटो खिसा लपेटो। क्या हुआ, डर गया क्या, दूर क्यों भाग रहा है? अभी अभी तो बोला था दो दो हाथ करेंगे। मां ढील दीजिए, कबीर की पीली वाली पतंग तक पहुंचना है। अरे अटक गया है ये, कैसे अटक गया समझ में नहीं आ रहा। ढील दीजिए मां, छोड़िए ना। अनबिलीवेबल, मुझे पता है आपके पास सारे उपाय हैं अपने बेटे को हराने के, पर मैं हारूंगा नहीं। रज, ये ढील दीजिए मां, कर क्या रही है यार? कबीर भाई तुम ढील दो, बेलन मुझे दो, आप उड़ाइए मैं संभालता हूँ। गो केसर गो कबीर भाई। कम ऑन कबीर, कम ऑन सूरज भाई, ढील दे ढील दे ढील दे। और ये सूरज की लाल वाली पतंग कटी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा? और तू जो मेरे और केसर के बीच में आने की कोशिश कर रहा उसका क्या? फालतू की बकवास मत कर सूरज, तेरी इतनी हिम्मत। सूरज क्या हो गया है आपको, हम सब पतंग उड़ाने का फ्रेंडली कंपटीशन ही कर रहे थे ना, यहाँ कोई किसी के बीच नहीं आ रहा है। सूरज बेटा, घर पर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, वो भी त्योहार के दिन। कबीर तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? हम ठीक है काकी। खुद को संभाल सूरज, जरूर ये माँ की चाल है, इसलिए तो कबीर को बुलाया था, और अब इन्होंने पूरे परिवार के सामने प्रूफ कर दिया कि तू वायलेंट है। बी केयरफुल सूरज, बी वेरी केयरफुल। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कबीर। केसर मैं सच में इडियट हूँ, इसमें कबीर की कोई गलती नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही कंपेटिटिव हो गया था, हारना बर्दाश्त नहीं है ना मुझे, थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। कबीर I'm really sorry, पता नहीं सूरज को क्या हो गया था। जाने दो केसर, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो,
नहीं, तुम यहाँ त्योहार मनाने आए थे और ये सब कुछ हो गया। अब तुम चिंता मत करो केसर, तुम बस अपना ख्याल रखो। कबीर, मैं मानती हूँ कि सूरज कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर उनका इंटेंशन किसी को भी चोट पहुँचाने का नहीं होता है। प्लीज तुम उन्हें गलत मत समझना। कोई बात नहीं केसर, पतंगबाजी में अक्सर ऐसा होता रहता है। एक बार जिग्नी भी हमारे ऊपर ऐसे नाराज हो गया था, हमने उसकी पतंग काट दी थी ना। तुम चिंता मत करो, हम सूरज के गुस्सा होने से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। काकी, हम चलते हैं। जय अंबे माँ। जय अंबे बेटा। चले भैया। तुम रुको आरती, आराम से आ जाना। हम सूरज को भी देख ले अंबिका, वो बहुत गुस्से में गया है। वो त्योहार के दिन उसे ऐसा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। मासू, आप रुके, मैं देखती हूँ। कैसे रुक, मैं भी चलती हूँ। अंबिका वो कब तक इसकी परछाई बनी रहेगी तू? केसर में तेरे संस्कार है, वो सूरज को संभाल लेगी। अगर तू इनकी शादीशुदा जिंदगी में सलाह देना चाहती है तो शौक से दे। सलाह और दखल में बहुत बारीक अंतर होता है, ये बात मत भूलना, वरना ऐसा ना हो कि केसर को भी तेरी बातें बुरी लगने लगे। वैसे आज बाल बाल बच गए सूरज राजकौर, ये तो मैंने अपना गुस्सा सही टाइम पर कंट्रोल कर लिया, वरना माँ को आज फिर से एक मौका मिल जाता मुझे सबके सामने गलत साबित करने का। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। ये गजल सिर्फ कुछ वक्त के लिए महफूज है, आज नहीं तो कल इसे जेल तो जाना ही होगा। बस जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक के लिए महफूज है, उसके बाद इस चालबाज को इसके हर एक गुनाह की सजा मिल के रहेगी। ये जेल जाएगी और इस बच्चे को हम पालेंगे, क्योंकि ये हैदर की औलाद है। पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो तुम? ये दुश्मन है हमारी, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना ही इसके पेट में पलने वाले बच्चे से हमें कोई सरोकार है। क्या कर रही है दुआ, थोड़ा तो अकल से काम ले। हर बार जज्बात में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अपना फर्ज समझ रही है क्या तू? तेरी ये नेक सोच तेरी बर्बादी बन जाएगी बेटा, क्यों नहीं समझ रही है? नहीं अम्मी, इस बच्चे को पाल के इसकी जिंदगी आबाद करके हमें खुदा सवाब देगा। गुस्ताखी के लिए माफी भाभी, लेकिन आप जो कर रही है ना वो सही नहीं है। दुआ बिल्कुल सही कह रही है, कहना था मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआ बिल्कुल ऐसा ही करेगी। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा शौहर, जो कुर्बानी दुआ दे रही है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज दुआ ने साबित कर दिया कि अपने फर्ज को पहचानना और उसकी अदायगी के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना एक आला किरदार की ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक नहीं मिलती। जो वाकई तुम पे बहुत फक्र है दुआ।
खुदा खैर करे, दुआ इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? आप सब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हमारे खानदान का खून है, इसीलिए ये हमारे साथ रहेगा। और ये मनहूस, ये जेल की सलाखों के पीछे होगी। दुआ बेगम, दिन में ख्वाब देख रही हो, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरे खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स की थी ना, वो सब तुम वापस ले चुकी हो। तो मैं तो जेल वेल कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो इसी घर में रहूंगी और पूरी शानो शौकत से रहूंगी। और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो वो भी इसी घर में मेरे साथ रहेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सारे सबूत और इन दोनों की गवाही से हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है। ये IVF का गलत उपयोग करके गैर कानूनी तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। इसे बच्चे की कस्टडी तो मिलने से रही। ये लड़की ना मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना ही इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, इसीलिए बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली से छीन कर बच्चे के कानूनी बाप यानी हैदर जी को मिल जाएगी। होगा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, समझा? मैं हैदर की बीवी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी होने का रिश्ता भी बहुत दिन तक कायम नहीं रहने वाला गजल। बहुत जल्द हम जज साहब को बताएंगे कि कैसे तुमने साजिश करके हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। और फिर पहली ही पेशी में जज साहब बता देंगे कि तुम्हारे और हैदर के बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा निकाह रद्द कर देंगे। हैदर को पाने का ख्वाब छोड़ दो गजल, बहुत जल्द तुम्हारा और हैदर का ये बेजान रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मैं हैदर को नहीं खो सकती, मैं हैदर को नहीं खो सकती। हैदर कभी तुम्हारे करीब थे ही नहीं गजल, तो उनके दूर जाने का अफसोस क्यों कर रही हो? से मेरा शौहर छीना था गजल, खुदा का इंसाफ देखो। सारे हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं, तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। तुमने मेरे लिए यही बद्दुआ की थी ना? मेरा नाम दुआ है और मैं कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो मारने पे आते हैं ना, तो कहीं का नहीं छोड़ते। तुमने हम पे इतने जुल्म किए, इतने गुनाह किए हैं, आज खुदा हर एक गुनाह का हिसाब बराबर कर रहा है। तुम मेरे बांझपन का मजाक उड़ाती थी ना, देखो आज खुदा ने मुझे दो बच्चे दे दिए। एक मेरा और एक तुम्हारा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं गजल, जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूं, उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं इस बच्चे से करूंगी। जी
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? राधा का व्रत और उसकी बाकी बिहारी जी की पूजा के वजह से मोहन के शरीर से तुलसी चली गई है। और देखो ना, उसके बाद मोहन को तो मुझसे प्यार भी हो गया है ना। मोहन तो मुझसे इतना प्यार करने लगा है कि आज उसने मेरे लिए खाना बनाया, खुद अपने हाथों से मुझे खिलाया। ये तुलसी कैसे हो सकती है? मेरी प्यारी बिटिया, देखो बकरे को हलाल करने से पहले भी उसे खिलाया पिलाया जाता है। मोहन कहीं तेरे साथ यही तो नहीं कर रहा? देखो, राधा के व्रत के वजह से ना सब सही हो गया। मुझे विश्वास है उस पर, उसका व्रत कभी फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए मोहन और हमें तुलसी की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। मम्मा प्लीज इतनी टेंशन मत लो। के देखते हैं बाहर कौन शोर मचा रहा है। तू जा पहले। मैं तो पक्का डाउट है मोहन योगा। अंधेरा क्यों है बिटिया? मुझे कैसे पता होगा मम्मा? हे प्रभु, पता नहीं हमारे साथ ही क्या हो रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
बस कल का इंतजार है, उसके बाद मैं और मोहन। दिमाग घास चढ़ने गया क्या तुम्हारा दामिनी? जिन मोहन जी को तुम इतने प्यार से गले लग रही हो ना, उन्हीं मोहन जी के अंदर अब भी तुलसी जी की आत्मा है। अरे एक बार सोच कर तो देखो, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है क्या दामिनी? जो मोहन जी तुम्हें आंख भर कर देखते भी नहीं, वही मोहन जी तुम पर आज प्यार लुटा रहे। अरे उनके अंदर तुलसी जी की आत्मा है, वो कल तुम्हें मार डालेगी दामिनी, समझो बात को। नहीं नहीं राधा, मैं नहीं मर सकती, मुझे नहीं मरना, मुझे मैं यू नो व्हाट राधा, स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर गई हूँ? और तुम्हें ये भी लगता है कि तुम्हारी इस ट्रिक्स में मैं वापस फंस जाऊंगी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यही ना कि मोहन मेरे करीब आता जा रहा है और ये सब देख के तुम सह नहीं पा रही हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ये सब। But you know what? तुम ना ये सब कुछ डिजर्व करती हो। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं ना, अब उसी दर्द से तुम गुजरोगे, क्योंकि मोहन मेरा है और मैं उसकी। तुम्हारी बेवकूफी ना तुम्हें ले डूबेगी दामिनी। बात को समझने की कोशिश करो कि मोहन जी के अंदर अब भी तुलसी जी की आत्मा है। पर राधा, तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत तो है नहीं, है ना? पर हमें तुम्हारी चिंता भी तो नहीं है ना दामिनी, हमें अब भी सिर्फ हमारे मोहन जी की चिंता है। भूल गई तुम गुरु माँ ने क्या कहा था? वो ऐसे इंसान की जान लेगा जो तुलसी की मौत का जिम्मेदार है, और अपना बदला लेने के बाद वो मोहन को लेकर यहाँ से चली जाएगी। तुम्हारे बाद ना तुलसी जी का अगला शिकार खुद मोहन जी ही होंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। या तुम गिर गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे। चलो फर्स्ट एड कर देते। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? पापा आ गए। तांडव, शक्ति, शक्ति ऐसा मत करो। शक्ति क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो बच्चे को। शक्ति कार्तिक को नीचे मत फेंको। दूर हटो मेरे बच्चे से। इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये क्या कर रही थी तुम शक्ति?
नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, पापा आ गए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डरना मत बिल्कुल भी। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें, क्या हुआ कार्तिक? किसी ने मारा तुम्हें या तुम गिर गए थे? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ मुझे। चलो फर्स्ट एड कर देते, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके, पापा आ गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। या तुम गिर गए थे, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ मुझे। चलो फर्स्ट एड कर देते, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके, पापा आ गए। तांडव, शक्ति, शक्ति ऐसा मत करो। शक्ति क्या कर रही हो तुम, छोड़ दो बच्चे को। शक्ति कार्तिक को नीचे मत फेंको। दूर हटो मेरे बच्चे से। इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये क्या कर रही थी तुम शक्ति? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, पापा आ गए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डरना मत बिल्कुल भी। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें, क्या हुआ कार्तिक? किसी ने मारा तुम्हें या तुम गिर गए थे? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ मुझे। चलो फर्स्ट एड कर देते, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके, पापा आ गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें लगा कि हम इतने किस्मत वाले कि तब प्यार करने वाला परिवार मिला हमें, लेकिन अब समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सब एक नाटक था। आप सबको ये राज छुपाना था। कार्तिक आया है तो इतना गुस्से में क्यों है? क्या हो रहा है? धोखा। हमारे साथ धोखा हो रहा है दादी। कहा था ना मैंने धमाका होगा, बस 10 मिनट और फिर दवाई करेगी असर, शिव करेगा तंडव। कहा था ना हमने जब प्लानिंग है आपकी। क्या हुआ शक्ति, तू ऐसे क्यों कह रही है? क्या धोखा हुआ है? ती, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। कैसा धोखा? डॉक्टर शिव और उनके पूरे परिवार ने हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया है। क्या हो गया तुझे शक्ति? क्यों कह रही है ऐसा? क्या हुआ तुझे अचानक से? सब सच पता चल गया हमें कि हमसे और हमारे परिवार से आप सभी ने, आपके पूरे परिवार ने झूठ बोला है। सच छुपाया है क्योंकि आप लोगों ने ऐसा हम लोगों ने क्या सोचा था आपके बारे में और आप लोग कैसे निकले? दादी आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया, सब लोग हमारी इतनी परवाह कर रहे थे, हमारे इतना ख्याल रख रहे थे, लगा कि हम इतने किस्मत वाले कि तब प्यार करने वाला परिवार मिला हमें, लेकिन अब समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सब एक नाटक था। आप सबको ये राज छुपाना था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें लगा कि हम इतने किस्मत वाले कि तब प्यार करने वाला परिवार मिला हमें, लेकिन अब समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सब एक नाटक था। सबको ये राज छुपाना था। कार्तिक आया है तो इतना गुस्से में क्यों है? क्या हो रहा है? धोखा। हमारे साथ धोखा हो रहा है दादी। कहा था ना मैंने धमाका होगा,
बस 10 मिनट और, फिर दवाई करेगी असर, शिव करेगा तांडव। कहा था ना हमने, जब प्लानिंग है आपकी। क्या हुआ शक्ति, तो ऐसे क्यों कह रही है? क्या धोखा हुआ है? दी, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। कैसा धोखा? डॉक्टर शिव और उनके पूरे परिवार ने हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया है। क्या हो गया तुझे शक्ति, क्यों कह रही है ऐसा? क्या हुआ तुझे अचानक से? सब सच पता चल गया हमें कि हमसे और हमारे परिवार से आप सभी ने, आपके पूरे परिवार ने झूठ बोला है। सच छुपाया है क्योंकि आप लोगों ने ऐसा हम लोगों ने क्या सोचा था आपके बारे में और आप लोग कैसे निकले? दादी आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया, सब लोग हमारी इतनी परवाह कर रहे थे, हमारे इतना ख्याल रख रहे थे, लगा कि हम इतने किस्मत वाले, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला हमें, लेकिन अब समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सब एक नाटक था। आप सबको ये राज छुपाना था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।